मुद्रा विज्ञान क्या है, मुद्रा क्या है, काम मुद्रा क्या है, काम मुद्रा कैसे कार्य करता है। एक व्यक्ति जो अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह और ओज में वृद्धि करना चाहता है, वह काम मुद्रा को कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, काम मुद्रा को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं, इसे जान लेने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि मुद्रा क्या है। योग के अनुसार आसन और प्राणायाम की स्थिति को ही मुद्रा कहा जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना गया है। आसन से हमारे इस स्थूल शरीर की हड्डियां लचीली और मजबूत होती हैं, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। हमारी प्राचीन ऋषियों की खोज है मुद्रा विज्ञान। उनके अद्भुत शोधों के आधार पर ही यह पता चला है कि पंच तत्वों की प्रतीक हमारी अंगुलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या किसी विशेष आकृति को बनाने से हमारे शरीर में उपस्थित उन पांच तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति और विघटन होता है, जिससे हमारे स्थूल शरीर को बहुत से फायदे मिलते हैं। यह बात हर व्यक्ति जानता है कि हमारा यह स्थूल शरीर पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इन पांच तत्वों के साथ साथ ही हमारी शरीर में पांच कोश हैं, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमारे स्थूल शरीर में जब इन तत्वों में संतुलन होता है और हमारे शरीर में उपस्थित ये सभी कोश स्वस्थ रहते हैं, तब हमारा मन और आत्मा स्वस्थ रहती है। इनके असंतुलन और अस्वस्थ होने से शरीर और मन में रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्हें पुनः संतुलित और स्वस्थ बनाने के लिए हस्त मुद्राओं का सहारा लिया जाता है, जो कि बहुत प्रभावकारी हैं। इसीलिए हमारे तंत्र में उपस्थित सभी ग्रंथ और कई वेद पुराणों में भी इन सब मुद्राओं का जिक्र मिलता है। आज हम काम मुद्रा के बारे में जानेंगे और अपने शरीर में ऊर्जा, तेज और ओज को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए, काम मुद्रा क्या है और इसे कैसे किया जाता है, इसे समझने के लिए इस श्लोक को समझ लेते हैं, जो वैष्णव तंत्र से लिया गया है। हस्तो तु संपुटोकृत्वा प्रसृतांगुलिको तथा तर्जन्यो मध्यमा पृष्ठे आंगुष्ट्यो मध्यमाश्रितो कामुद्रे यमुदिता सर्वदेव प्रियंकरी। यह मुद्रा वैष्णव तंत्र से ली गई है और इस मुद्रा का नाम है काम मुद्रा। केवल 5 मिनट इस काम मुद्रा का अभ्यास कर लेने से आप यह अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। शरीर में उपस्थित तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर होती जा रही हैं। ऊर्जा, उत्साह और आरोग्य में वृद्धि भी इसी काम मुद्रा के नियमित अभ्यास से किया जा सकता है। यदि आप इस काम मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका ओज, आपका प्रभाव और आपका तेज बढ़ने लगता है। यानी यदि साधारण भाषा में कहें तो आपके शरीर में जो ऊर्जाएं अभी तक अव्यवस्थित थीं, वो सभी इस मुद्रा के अभ्यास से धीरे धीरे बैलेंस होने लगती हैं। क्योंकि मुद्राओं का अपना एक रहस्यमयी संसार है, इसलिए मुद्राओं का अर्थ केवल अपने शरीर को तोड़ना मोड़ना नहीं, बल्कि अपनी भाव भंगिमा को भी प्राण से जोड़ना है। यदि हमारी प्राण ऊर्जा से हमारी भाव भंगिमाओं का मिलन हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की ऊर्जाएं व्यवस्थित हो जाती हैं। और जब हमारी एक बार ऊर्जाएं व्यवस्थित हो जाती हैं तो हमारा यह जीवन भी व्यवस्थित होने लगता है। आज जिस आपाधापी में और अव्यवस्थता में हम जीवन जी रहे हैं और तमाम रोगों से घिरे हुए हैं और तमाम मानसिक दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, इन सब चीजों से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग है मुद्रा का अभ्यास, मुद्रा विज्ञान का अभ्यास। मैंने तमाम मुद्राओं वीडियोस बनाई हैं। जो मुद्रा आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आप उसका नियमित अभ्यास करिए और अपने अनुभव को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे शरीर में उपस्थित समस्त दुर्बलताएं, मानसिक विकार, ये सभी बहुत से कारणों से आते हैं, परंतु इन सबसे निवारण का केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग है मुद्राओं का अभ्यास। दोस्तों, ये सभी मुद्राएं केवल हम लोगों के द्वारा बताई गई नहीं है, बल्कि इनका उल्लेख तंत्रों और ग्रंथों में मिलता है, जिनसे पढ़कर ही हम आप सब तक पहुंचाते हैं। इसलिए यह न केवल विश्वसनीय बल्कि बिल्कुल सटीक हैं। तो आज हम काम मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि काम मुद्रा का कैसे अभ्यास किया जाए
और अपने जीवन में अतुलनीय बदलाव को देखा जाए। तो आइए इस श्लोक को समझते हैं जो मूल रूप से वैष्णो तंत्र से ली गई है और यह बिल्कुल यथावत वैसी ही है जैसे वैष्णो तंत्र में लिखी गई है। हस्तौ तु संपुटौ कत्वा प्रसृतांगुलिकौ तथा तर्जन्यो मध्यमा पृष्ठे यष्टुंगौ मध्यमाश्रितो काम मुद्रे मुद्रिता सर्वदेव प्रियंकरी। तो यह काम मुद्रा का उल्लेख वैष्णो तंत्र में आया है, तो आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर संपुट बनाएं तथा अपनी अंगुलियों को फैली हुई रखें। इसके बाद अपनी दोनों तर्जनियों को अपनी मध्यमाओं के पीछे रखें, अपने दोनों अंगूठों को अपनी अपनी मध्यमाओं पर रखें। कहते हैं यह काम मुद्रा सभी देवताओं को प्रिय और कल्याणकारी है, यानी सर्वदेव प्रियंकरी, अर्थात आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो आप उनके सामने काम मुद्रा प्रदर्शित करें तो निश्चित रूप से उस देव और देवी को प्रसन्नता होगी। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से वे आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि यह श्लोक वैष्णो तंत्र से लिया गया है, इसलिए कहा जाता है कि जो विष्णु के उपासक हैं, श्री हरि के उपासक हैं, चाहे वो भगवान विष्णु के किसी भी रूप के उपासक हों, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण, वराह अवतार, अब चाहे आप नारायण रूप के उपासक हों या उनके किसी अवतार के उपासक हों, आप यदि यह मुद्रा प्रदर्शित करते हैं तो निश्चित ही आप उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि वे व्यक्ति क्या इस मुद्रा को नहीं कर सकते जो किसी देव देवता के उपासक नहीं है। देखिए, यह काम मुद्रा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह भगवान का उपासक हो या नहीं। यह मुद्रा सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आती है। उपहार हर व्यक्ति को मिलना होता है, चाहे वह देवी देवता का उपासक हो या ना हो। इस मुद्रा के बहुत से लाभ हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ साथ यौन ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, काम मुद्रा अर्थात आपके भीतर काम शक्ति का विकास होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पार्टनर के प्रति कामुक नहीं है, उनके भीतर काम ऊर्जा का विकास नहीं हो रहा है, वे इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने अंदर यौन शक्ति का विकास कर सकते हैं। यह मुद्रा हमारे अंदर तेज की वृद्धि करती है। यदि हमारा ऑरा, जो कि प्रतिबिंब है हमारे विचारों का, हमारे भावों का और हमारे कर्मों का, यदि यह ऑरा हमारा डिस्टर्ब है, हम निस्तेज हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे, और हमारा यह चेहरा देखकर ही अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि यह व्यक्ति तो बलहीन है और हम पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो इस काम मुद्रा का नियमित अभ्यास करता है, तब उसका ऑरा खिला हुआ रहता है, उसके भीतर तेज की वृद्धि होती है, बलवान प्रतीत होता है, ऑरा खिला हुआ होता है, आकर्षक लगने लगता है व्यक्ति। अब चाहे वह व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, यह मुद्रा दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इस मुद्रा के अभ्यास से दोनों ही अद्भुत लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को बैलेंस करके हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ाती है। तो इसलिए काम मुद्रा का अभ्यास चाहे स्त्री करे या पुरुष, उसके तेज में वृद्धि होती है, ओज में वृद्धि होती है, और इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति के प्रभा मंडल, उसके आभा मंडल में भी विकास होना निश्चित है। इन सब लाभों के अलावा यह एंटी एजिंग का भी कार्य करता है, यानी आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखने में भी मदद करता है, आपकी ऊर्जा को क्षीण होने से बचाता है। तो यदि आप डेली इसका नियमित 5 से 10 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपको उसके कई लाभ नजर आने लगेंगे। तो यदि आप अपने युवावस्था, अपने यौवन को अधिक दिनों तक बरकरार रखना चाहते हैं तो आप काम मुद्रा का अभ्यास अवश्य कीजिए। आपके अभ्यास से ही आपकी प्रगति निश्चित होगी। तो आप यह प्रयोग करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि क्या यह मुद्रा आपके लिए उपयोगी साबित हुई या नहीं।